felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की जो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, क्योंकि यार आप लोगों को पता है, थंबनेल देख के जान गए हो, पता चल गया होगा आपको कि यार मैं फिश एक्वेरियम दिखाने वाला हूँ। हम लोग बहुत सारे फिश दिखाने वाला हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया फिश, मतलब नए नए, और क्या क्या उसकी रख रखाव होती है, कैसे उसको रखा जाए, कैसे मेंटेनेंस किया जाए, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। क्योंकि यार आप लोगों को पता है, जो भी फिश लवर है, जो अपने पास एक्वेरियम वगैरह रखते हैं, उनको पता होता है कि यार एक्वेरियम में ठंड में क्या कैसे मतलब रखना है, ठंड का मौसम आ रहा है या फिर गर्मी का आ रहा है तो उसमें कैसे रखना है, ठीक है, और कितना दाना वगैरह डालना है, कौन सी दवाइयाँ डालनी है, एंटी फंगस वगैरह होता है, एंटी क्लोरीन वाले, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, आपको पता ही होगा यार। तो यार वो सारी चीज़ें मैं इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हूँ इस वीडियो में, और वीडियो देखना, पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अलग अलग और बहुत मस्त मस्त नए नए मैं आपको फिश इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है, और रेट बहुत ही जेन्युइन होगा, आप लोग को सच में उसी रेट पर मिलेगा जो इस वीडियो में बताई गई है, ठीक है। तो आप लोगों को एड्रेस भी सब कुछ दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वीडियो को पूरा देखना, कोई भी चीज़ आपको मिसिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, कि यार ये चीज़ नहीं बताया आपने, सब कुछ मिलेगा, वीडियो को पूरा देखना प्लीज़, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये रहा इनका, देखो एड्रेस दे रखा है इसमें, ठीक है, आप लोगों को, और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको मैं पूरा मोबाइल नंबर देख सकते हो, ठीक है, किसी पे भी कॉल कर लेना, आप आना हो, आप आ सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पे पुलिस थाना है, कापाछेड़ा का पुलिस थाना सामने है, ठीक है, इसके पास आओगे यहाँ पे, मतलब जस्ट सामने साइकिल की शॉप है, साइकिल की शॉप के पास ये देख लो, यहाँ पे मैंने बोर्ड भी दिखा दिया, इसके जस्ट सामने ही शॉप है, ठीक है, आपको ये दिखाता हूँ पूरा शॉप, ऐसा है, पतली सी है, और ये एक्वेरियम वगैरह यहाँ पे साफ़ सफाई होती रहती है, ठीक है। तो मैं अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो देखो यार, मतलब आप आओगे सबसे पहले आपको ये ऐसा कुछ दुकान दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दुकान है, आपको यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देंगी, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे से केयर की जाती है, अच्छे से रखी जाती है, ठीक है, साफ़ सफाई आप खुद देख सकते हो, बहुत सारे हैं, देख सकते हो, ठीक है। ये हो गई फिश की बात, और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक्सेसरीज़ क्या क्या आ जाती हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज़ है जो आपको आपको इस शॉप में मिल जाएंगी, ये रही आपको इसमें, मतलब डॉग वगैरह के लिए, रैबिट्स वगैरह के लिए, सब के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो आप यार, स्टोन वगैरह जिसको चाहिए हो, कलरफुल स्टोन वगैरह, वो सब भी यहाँ पे मिल जाएंगे, एक्वेरियम अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो बाउल वगैरह है गोल वाला, वो सब भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, आपको मैं सब कुछ का रेट बता दूंगा, ये देख लो हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये एक्वेरियम में जो अंदर सामान वान रखते हैं वो सब कुछ, ठीक है, फ़िल्टर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। भैया से पूछते हैं कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है और क्या क्या किस किस रेट में देते हैं। तो भैया एक बार बताओ, पहले तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीटा फिश जो होती है, फाइटर फिश भी कहते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, दवाई क्या डालते हैं, इस फिश के साथ कौन सी फिश रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था यार कि कौन सी दवाई रख डालना है, नहीं डालना, ठीक, क्लोरीन वाला, या फिर इसकी साफ़ सफाई कैसे करनी है, कैसे रख रखाव करना है, ठंड का मौसम आ रहा है, गर्मियों में कैसे रखते हैं, ठंडियों में क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो को बाद में बताऊंगा। अभी मैं पूछ लेता हूं भैया से कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ आपके पास होता है, मतलब क्या क्या चीज़ वो करते हो आप? नमस्कार सर, यहाँ पे हम बाउल रखते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए ना, फूड हो गया, हाँ, और रैबिट फूड हो गया, डॉग फूड हो गया, स्टोन्स हो गया, जो भी है वो सब कुछ मिल जाता है, हाँ, मतलब जितने भी फूड हमारे पास नहीं होता वो हम ऑर्डर ले लेते हैं, हाँ, अरेंज करके हम उसको दे देते, मतलब एक दो दिन में अरेंज करा के आप दे देते हो। जी जी। जिसको एक्वेरियम बनवाना हो, अपने हिसाब से बनवाना हो, जिस साइज का बनवाना हो, जैसा बनवाना हो, वैसा आप बनवा दोगे? बिल्कुल सर, देखो अभी साइज के शीशे रखे हुए हैं। देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो शीशे जो हैं, यहाँ पे शीशे कटे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्वेरियम बना के मिल जाएगा, जैसा आप कहोगे वैसा मिल जाएगा, ठीक है, अपनी चॉइस पे, जैसा बनाना चाहेंगे वैसा मिल जाएगा, है ना? अगर ये इंपोर्ट आते हैं ऐसे बने बनाए मिल जाते हैं, ऐसे मतलब ये जो बने बनाए आते हैं वो उसका क्या क्या रेट होता है, मतलब जो छोटा है और मैंने बड़ा बाहर दिखाया था दुकान में पहले ही, तो ये क्या रेंज में है ये छोटा वाला? आपको 7-8 हज़ार में आपको कंप्लीट सेट पड़ जाता है। 7-8 हज़ार में पूरा यहाँ से 8-9 फिश हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, स्टोन्स हो जाएंगे, जो भी डेकोरेशन का है एक्सेसरीज वो कंप्लीट हो जाएगा, हाँ, विद फूड मेडिसिन, फूड मेडिसिन सब कुछ मिलेगा, 1 मंथ, हाँ, 1 महीने का मतलब ना, फूड भी मिल जाएगा, मेडिसिन भी मिल जाएंगी, ठीक है, और इसमें जो एक्सेसरीज में लगते हैं सजा वजा करके वो सारा चीज हो जाएगा, मतलब 10 हज़ार में टोटली सारा काम हो जाएगा, है ना? और दिखाता हूँ गाइस, देखो ये जैसे, और ये होते हैं छोटे मोटे जैसे बनाया गया है, खुद का बनाया हुआ है, ये सब भी मतलब बना सकते हैं ना, और मैं आपको गाइस पॉसिबल होगा तो मैं आपको एक दिखा दूंगा कि एक्वेरियम कैसे बनता है, वो सभी मैं दिखा दूंगा। तो अभी बात कर लें फिश की, ठीक है, तो भैया ये बताओ फिश कौन कौन सी है आपके पास?
और ये क्या क्या है? ये एल्बिनो टाइगर ऑस्कर है। ये वाला? हाँ जी, टाइगर ऑस्कर। हाँ, एल्बिनो टाइगर ऑस्कर, हाँ। इम्पोर्ट ऑस्कर है। अच्छा, और वो वाला टाइगर ऑस्कर है। हाँ, हाँ। और मतलब ये अच्छा ब्लैक है। हाँ, क्या क्या रेंज में ये? ये वाला आपको 1050 का पेयर है। अच्छा, और ये 1000 रुपये का। 1000 रुपये का वो, 1050 का है। ओके, और ये पुराना 900 का पेयर है। पुराना ये वाला? हाँ जी। अच्छा, 900 रुपये? हाँ जी। पेयर है दोनों दो? ओके, और ये जो इसके साथ है ये वाले ब्लैक वाला, काफ़ी प्यारा लग रहा है। प्यारा है, उसके ही साथ है, पेयर है वो। अच्छा अच्छा, मतलब सेम है ना वो दोनों? जी जी। अच्छा अच्छा, और ये बताओ ये इसका क्या काम है? ये तो ये सकर केट होती है। सकर केट होती ये है, जो एलगी लगती है ना टैंक के अंदर, या बेस्ट फूड जाता है, तो हमेशा एक फिश इसको रखना चाहिए। इसको रखना चाहिए ताकि ये मतलब ये होना चाहिए। हाँ, ताकि मतलब ये जो वेस्ट हो जाता है खाना वाना, वो सब वो खा सके, है ना? तो गाइस ये काम करता है ये, ठीक है। और ये मतलब सकर किट वगैरह यहाँ पे भी देख सकते हो, छोटा छोटा ये रहा, ठीक है ये रहा। और ये बताओ भैया ये कौन सी फिश है, क्या रेट है इसका? ये कोई काफ है। हाँ, ये आपको 220 रुपए का पेयर समथिंग पड़ जाएगा। 220 रुपए का पेयर। हाँ। देख लो गाइस, कलर देख लो, काफ़ी प्यारा लग रहा है। आता है वो 60 से 70 रुपए का पेयर भी आता है। स्मॉल भी आता है, ठीक है। बड़ा है। हाँ, ये रहा गोल्डन फिश, देख लो गोल्ड फिश। कितने का पड़ेगा? पड़ेगा ये 350 का। देख लो गाइस, 350 का पेयर है, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं मतलब। और सच में आप जितना कैमरा नहीं देख सकते हो उतना मैं देख सकता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ये, ठीक है। और बताओ भैया ये दिखाओ, कितना काफ़ी प्यारा लग रहा है, इसमें लाइटनिंग वगैरह भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। क्या है इसका रेंज? इसमें ब्लू ग्रामी भी है। हाँ, और टिम्पिन बार भी है। टिम्पिन बार भी है, ओके। टिम्पिन बार 190 का पेयर है, ब्लू ग्रामी 120 का पेयर है। अच्छा अच्छा, इसमें आप पीछे देख सकते हैं सिल्वर डॉलर है पीछे। कहाँ कहाँ कहाँ? अच्छा अच्छा, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। वो 350 का पेयर है। 350 का पेयर है, ओके, बहुत प्यारा लग रहा है वो। मतलब बाहर से आती है, बाहर से। हाँ, नीचे है आपका टाइगर शार्क। इसके अंदर? हाँ जी। ये टाइगर शार्क है? हाँ जी। 80 का पेयर है। 80 रुपये? हाँ। इसके अंदर जो फिशिंग ग्रामी है, हाँ, वो आपको 190 का पेयर है। 190 का पेयर है ये वाला। हाँ, काफ़ी प्यारा लग रहा है, देख सकते हो आप यार, मतलब देख सकते हो कोई गंदगी नहीं है इसमें, आप बिल्कुल साफ सफाई है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है इनको, और आप भी अच्छे से रख सकते हो। और हाँ, पीछे आपको ये वाला, ये देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये देखो काफ़ी अच्छे, मतलब इसके हेड पे मतलब रेड रेड सा है। क्या नाम बताया भैया इसका आपने? रेड कैप। अच्छा अच्छा, नाम भी ठीक है। क्या पेयर है इसका? 150 का पेयर है गाइस, देख लो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और सारे मतलब ये ऊपर साइड में ही है, ठीक है, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको, और ये देख लो, ये छोटे साइज में ना ये गोल्ड फिश, 50 रुपये का पेयर है मैंने। हाँ, 25 रुपये का एक मिल जाएगा आपको, और वैसा ही हाल है, देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे हैं यार, आप देख सकते हो, बहुत प्यारे से रखी गई है, फिल्टर वगैरह अच्छे से यूज़ हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो शॉप, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं ये देखो। और इसमें रखी गई हैं और भी फिश रखी हुई हैं, ठीक है, मतलब उनको ये इसलिए रखा जाता है ताकि जो उस पानी का और इस पानी का जो टेम्परेचर है सेम हो जाए, उसके बाद इसको डाला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और भैया ये बताओ, ये चिकलेट वैरायटी है सर, इसमें चिकलेट है सारी, भी है ऑरेंज भी है, हाँ, ब्लू जैबरा भी है, और इलेक्ट्रिक ब्लू चिकलेट है, और ये आपका ब्लू ओटस है, ये ओटस है ये वाला। अच्छा अच्छा, ये ओटस है, ब्लू ओटस। अच्छा अच्छा, काफ़ी वही 500 समथिंग पेयर है। 500 के समथिंग है ये पेयर। हाँ, देख लो गाइस, मतलब 250 रुपये, मतलब हाँ 500 रुपये के पेयर में आ जाए। मतलब क्या क्या बताया आपने? ये चिचलेट वैरायटी है। हाँ, ये गोल्ड फिश के साथ नहीं रहती, ओनली चिचलेट वैरायटी में। हाँ, वो जैसे चिकलेट के साथ रह लेंगे। अच्छा, और गोल्ड फिश वगैरह के साथ नहीं रखती हैं। अच्छा अच्छा, और ये वाला सबसे नीचे? हाँ, ये गोल्ड फिश की ब्रीड में आता है, ये सॉफ्ट ब्रीड में आता है, गोल्ड फिश के साथ ही रहता है। अच्छा, गोल्ड फिश के साथ हो गया, गोल्ड फिश हो गया, एंजल हो गया। हाँ 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 हाँ, और ये ब्लैक वाली जो छोटी छोटी, ये मॉली है। मॉली, ब्लैक मॉली। हाँ, ब्लैक मॉली। क्या इसका क्या रेंज है भैया? ये 40 का पेयर। 40 रुपीज़, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं यार, देख सकते हो। और भैया इनमें से बताओ आप जितने भी अभी हैं, अभी तक जितने मैंने दिखाए हैं, अभी और दिखाने गए उतने बहुत सारे हैं, जितने भी दिखाए हैं, इनको मतलब बीटा फिश के साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते? हाँ, गोल्ड फिश के साथ ही रहता है बीटा फिश, इनके चिलेट के साथ तो नहीं रहेगा। इसके साथ तो नहीं रहेगा। हाँ, और बीटा फिश हमेशा सिंगल में ही रहती है एक्वेरियम के अंदर। बाउल में रखो, हाँ, तो सिंगल रहेगी। एक्वेरियम में रखो तो सिंगल रहेगी, तो सिंगल रहेगी, है ना। इसका एक रीज़न है क्योंकि आपस में दोनों लड़ती हैं, है ना। अच्छा, इसलिए इनको फाइटर भी बोलते हैं। अब इसके बारे में बस बहुत सारी अभी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या नहीं होने वाली है। तो भैया ये बताओ ये वाली कौन सी फिश है? ब्लैक ब्लू वाली।
अच्छा ये एंजल है, हाँ दूसरी ब्लैक मोर है ये वाली ना, हाँ क्या मतलब क्या क्या रेंज में ये? ये 350 का पेयर है ये वाला, हाँ जी ओके। और ये छोटे वाले 140 का, ओके हाँ। ये बताओ भैया, ये आपको एस के गोल्ड भी बोलते हैं, हाँ गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लू गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लू गोल्ड भी बोलते हैं, अच्छा गोल्ड। और इसका भी सारा रख रखाव एक जैसा ही होता है ना, हाँ सेम? क्या रेंज है इसका भैया? 180 का पेयर है। तो भैया बताओ बॉयल वगैरह का बताओ कैसे रखना होता है बीटा फिश को, कैसा रख रखाव करना चाहिए? मतलब मैक्सिमम जो स्टार्ट करते हैं वो छोटे से स्टार्ट करते हैं, हाँ तो क्या क्या मतलब इसकी रख रखाव है, कितना पानी होना चाहिए, ठंड में कैसे रखते हैं? पानी पूरा भर के ही रखते हैं, तो हमने वैसे ही ऐसे ही रखा हुआ है ना ये, हाँ, तो अभी साफ सफाई भर के रख सकते हैं। हाँ इसमें थोड़े पेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं खूबसूरती के लिए, अच्छा प्लांट भी लगा सकते, प्लांट लगा सकते हैं, बट एक ध्यान रखें मनी प्लांट भी लगा सकते हैं ना, हाँ उस टाइम एंटी क्लोरिन मेडिसिन आती है, एंटी क्लोरिन डालना जरूरी है। अच्छा क्लोरिन हो गया, हाँ ठीक है। और एक एंटी फंगल भी होता है ना, हाँ, देखो गाइस ये दवाइयाँ हैं, इसका क्या क्या काम है भैया? ये इचिंग है, एंटी इच, मछली को जो खुजली वगैरह होती है उसके लिए। अच्छा हाँ, और ये मैं आपको एक दो दिन डालते ही देना है, मतलब दो तीन दिन में आपको डालना है, हाँ ये जब भी आप पानी चेंज करेंगे तब डालना है, एंटी क्लोरिन होता है, मतलब पानी में जो क्लोरीन हाँ वो खत्म कर देता है। और इसका मतलब दाने वगैरह कब डालना है, कितना डालना है? दाना आप एक टाइम भी डाल सकते हैं, एक फिश की क्वांटिटी 3 से 4 दाने होते हैं, 3 से 4 दाने, हाँ मतलब वो एक दिन का बता रहे हो आप, 2 दिन का 3 दिन का? एक दिन का ही होता है, एक दिन का ना, 2 से 3 दाने ही खाती है, हाँ इससे ज़्यादा खाना भी तो मतलब ओवरफिटिंग होगी तो फिश का पेट फूलेगा, पेट फूलेगा तो मरेगी, मर जाएगी, दिक्कत हो जाती है ना, ना ज़्यादा खिलाना है ना कम खिलाना है, मतलब मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ठीक है। और दिखाता हूँ गाइस ये देखो बहुत सारा है। और भैया ये बताओ ठंड में मतलब क्या है, ठंड का अगर पानी मतलब हमें तो ठंड लगती है, हाँ हमने लगा रखा है, अभी शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा ये हीटर देखो गाइस, ये रहा हीटर, 28 का टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, ये ऑटोमेटिक अच्छा, होता है, हाँ हाँ ऑटो कट हो जाता है, मतलब जैसे 28-29 का हाँ हाँ टेम्परेचर वहाँ हुआ तो वो ऑटो कट हो जाएगा। अच्छा तो मतलब हीटर, इसमें तो हीटर नहीं लगा सकते ना भैया? और इसमें इसमें हल्का आप गुनगुना पानी डाल सकते हैं, हाँ जैसे 50% पानी चेंज कर दिया, हाँ हाँ डेली कर सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, एक ग्लास डाल दिया अपना, है ना, और नॉर्मल पानी मतलब इतना गर्म भी नहीं कि बाउल ही टूट जाए, बाउल हल्का सा ना। और भैया ये बताओ क्या बोलते हैं इसमें ऑक्सीजन का क्या रूल है, मतलब ऑक्सीजन इसमें भी तो चाहिए, जैसे इसमें तो आपने ऑक्सीजन लगा रखा है ये वाला, ठीक है डेली पानी चेंज करेंगे या एक दिन छोड़ के भी करेंगे, हाँ तो वो चल जाता है, अगर आप ऑक्सीजन लगाना चाहें तो इसमें ऑक्सीजन एयर पंप लग जाता है, लग जाता है, मतलब वो आपके पास होगा, हाँ ठीक वो भी गाइस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसका भी पूरा रख रखाव कैसे होता है सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है ये रहा। और आपको मतलब फिल्टर वगैरह चाहिए हो, सामान चाहिए हो, ठीक है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये रहा देखो गाइस, ये रहा ये मतलब यही है ना ऑक्सीजन वाला ये पंप, एक्वेरियम पंप देखो गाइस, ये रहा देखो गाइस, ये रहा एयर पंप है, ठीक है। मतलब ठीक है अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और भैया अगर कोई देख लो प्लांट्स देख लो, ठीक है ये रहा प्लांट्स वगैरह, ये देख सकते हो, ये देख लो, और हाँ और ये मतलब और सारी दवाइयाँ भी देख लो गाइस, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, हाँ तो वीकली फूड आता है, हाँ हाँ तो ये आप हफ्ते भर के लिए आप आराम से मतलब डाल देंगे तो अपना खाते रहिए, है ना। और देख लो गाइस बहुत सारी वैरायटी हैं, ठीक है फूड वगैरह के, ठीक है। और मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि यार यहाँ पे बेल्ट वगैरह मिल जाएंगी, स्टोन मिल जाएगा, ठीक है, और वो हीटर वगैरह है वो भी मिल जाएगा, काफ़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। और यार ये मतलब ये जैकेट्स वगैरह ना डॉग्स के देख सकते हो गाइस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। और वो बाउल कितने का बताया भैया, बड़ा वाला जो है 300 रुपीज़ गाइस देख लो, ठीक है, मतलब बहुत कुछ मिल जाती है। तो भैया आप एक बार दोबारा से मेरे को अपना नंबर दिखा दो, जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो अच्छे से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और एक बार आप अपने यहाँ से एड्रेस बता दो कि कापाशेड़ा में इधर पुलिस स्टेशन है वहीं पे है ना, हाँ जी जस्ट हमारा जो एड्रेस है प्लॉट नंबर 1617, हाँ ये लगा इसमें देख रहा है, ठीक है आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो कापाशेड़ा चौक नियर बाई पुलिस स्टेशन समाल का न्यू दिल्ली, हाँ गाइस ये रहा इसमें नंबर है, आप कॉल जरूर कर लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, आपको हर एक चीज़ जानकारी मिल जाएगी। और भैया एक लास्ट बात बता दो, अगर कोई दिल्ली से बाहर से अगर कोई करता है मतलब ऑर्डर करना चाहता है या फिर उसको मंगाना हो तो हो जाएगा उसको, मतलब उसकी क्वांटिटी मतलब होनी चाहिए कि अब यार अगर कोई 2 फिश 3 फिश मंगाएगा तो उसके लिए तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो कितना मतलब होना चाहिए, मतलब 5,000 रुपये से ऊपर का कुछ मंगाए,
6000 ऊपर से मंगाए तो आप करवा सकते ऊपर का ही होगा तभी हम भेज पाएंगे, तभी भेज पाएंगे, फायदा होगा। हाँ नहीं तो वो अगर एक दो मंगवाएंगे तो जितना यहाँ पे कोरियर का चार्ज लगेगा वो तो वहीं से खरीद लेंगे फिर, है कि नहीं भाई। जिसको चाहिए अपने पास सारे होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाएंगी। आपने दिखा दिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है यार। मैंने आपको फूड दिखा दिया, मेडिसिन दिखा दी, ठीक है, बेल्ट वगैरह दिखा दी, डॉग्स की सारी चीज़ें दिखा दी, ये सारी छोटे छोटे दिखा दी मैंने, हर एक चीज़ पिंजरे वगैरह हर एक चीज़ दिखा दी मैंने। पिंजरे वगैरह भी क्या क्या रेट भी है, चाइनीज़ है, इंडियंस, इंडियन है सारे, इंडियन है ना, देखो गाइस कुछ इंपोर्ट है कुछ इंडियन है। हाँ अब तो सारा इंडिया में ही, इंडिया में ही सब बनने लग गया ना। तो ठीक है यार, वीडियो कैसे लगे आप लोग, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो अभी बटन, अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।